हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपका संख्या पद्धति का एक और टॉपिक लेकर आज आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है घातांक और करणी। ये टॉपिक करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ हम देख लेंगे, जब भी यहाँ पावर में कोई चीज़ लिखी, जैसे बात मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 5, ठीक है, तो इसे हम आधार कहते हैं, ठीक, और इसे हम घात कहते हैं, घातांक, ठीक है। ये होता है आधार और ये घातांक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट और इसे कहते हैं पावर, ठीक है। यानी कि आपको ये तो पता ही होगा, इसका मान, इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, इसकी वैल्यू है 2 की घात 5, का मतलब 2 को 2 में ही इतनी बार 5 बार आपको गुणा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको घातों में लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए अगर आपको घातों में लिखना है 625 को घातों में लिखना है, तो आप इसको इस तरह से काटना शुरू कर दीजिए, सबको आता होगा। फिर काटेंगे 25, फिर काटेंगे 5, फिर 1, तो ये कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 की घातें कितनी हो गई, 4। 625 को लिखा जाता है 5 की घातें 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। आधार और घात क्या चीज़ है उसको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ सूत्र होते हैं। x की पावर a गुणा x की पावर b, तो x की पावर a + b यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार हो, घातें अलग अलग हो और गुणा करना हो, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7, तो उसे क्या करना है, दोनों 3 है तो एक बार 3 लिख लो और घातों को जोड़ दो, 7 5 12, इस तरह से इसको करना है। यानी कि गुणा में घातें अलग ना जुड़ जाती हैं, कब, जब आधार कैसा हो, समान हो, फिर भाग में घातें वैसे ही घट जाती हैं। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x की घातें बटे x की घात b, या फिर इसे डिवाइड में लिख दो, बात तो एक ही है, भाग में घातें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी आपकी। फिर जब अलग अलग आधार पर एक ही घात लगी हो तो उसे क्या कर सकते, जैसे मान लीजिए गुणा में लिख के एक घात लगा सकते हैं, जैसे लिखिए 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम देखिए इस बार अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 की घात 10 लिख देते जोड़ के, लेकिन यहाँ पर आधार अलग अलग है तो आधारों पर गुणा करके ऊपर 5 लिख देंगे, ठीक है। चाहे डिवाइड हो तो भी यही करेंगे, डिवाइड करके घात पे 5 लिख देंगे, तो याद आएगा 6 की घात 5। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है घात पे जब घात चढ़ी हो तब क्या होगा, यानी इसकी घातें और उसकी भी घात भी, तो याद रखना घात पे जब घात चढ़ी होती है तो उन घातों का गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 7 की घात 2 और 8 की घात 3, ये जगह 7 की घात 6, ठीक है। तो घात पे घात चढ़ी हो तो गुणा करना है। अगला है x की पावर 0 की बराबर वैल्यू, यानी कि किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान जो होता है वो क्या होगा, 1 होगा। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, याद रखना। आप फिर लिखा है कि अगर एक साथ घातें लिखी हुई एक्स बटे वाई की घातें, तो उसे अलग अलग लिख सकते हैं और अलग अलग लिखी है तो उसे एक साथ लिख सकते हैं। फिर इधर आ जाइए, अंडर रूट की घात होती है वो 1/2 होती है, ठीक है, 1/2। घनमूल की घात 1/3 होती है और कोर रूट का की घात 1/4 होती है, यानी कि इधर जितनी भी संख्या लिखी है उसे आप बटे में लिखते हैं। एक चीज़ याद रखना, 3√2, ठीक है, और घनमूल 2, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। 3√2 का मतलब है 3 × √2, लेकिन घनमूल 2 का मतलब है 2 का क्या लेना है आपको, घनमूल निकालना, ठीक है। याद रखना ये जो है 3, ये जब इस चिन्ह के ऊपर होगा छोटा तो ये घात होगी, वरना ये गुणा है, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है ये गुणा में है और यहाँ जो 3 है वो घात में होती है, तो ये इतना याद रखेंगे आप। चलिए आइए देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए। तो आपका 2 सूत्र और ये हैं, किसी भी आधार की अगर घात जो है माइनस में है तो उस आधार को अगर पलट देंगे तो घात जो है प्लस की हो जाएगी, याद रखना। यानी कि एक्स की घात माइनस ए है, अब घात अगर मुझे प्लस की करनी है तो एक्स की जगह 1/x लिखना पड़ेगा, और अगर 1/x की घात माइनस ए है तो हमें इसे पलटना पड़ेगा। अब 1/x को पलटोगे तो फिर एक्स हो जाएगा, तो घात जो है प्लस की हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/2 की घात -1/2, अब आपको क्या करना है कि घात माइनस की तो हम इसे प्लस का कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की घात 1/2 घात, ठीक है। संख्या उलटने से घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब आपको पता है 1/2 जो है ये होती है रूट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका आपको संक्षिप्त मान बताना है। सिर्फ क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन देकर डरना नहीं है। आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हम सबको छोटी, सबसे छोटी आवाज संख्या की घातों में लिख लेंगे, ठीक है। 243 के खंड काटेंगे। 200, देखो 3 तो ये सबसे छोटी घात है, संख्या है 9, और इनको भी हम चाहे 2 की घात बने चाहे 3 की बने, जिसकी भी घात बनेंगे हम उनको चेंज कर लेंगे। तो 243 को आप काटना शुरू कर दो। चलो 3 से काटते थे 24, ठीक है, फिर काटा 1 से 87, 88, फिर 9, फिर 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 घात है। 3 की घात कितनी हो जाएंगी, 3 की घात 5, और उसकी घात कितनी थी, 10/5। फिर 3 की घात 2n+1 बटे, अब 9 को ले सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है, ले सकते हैं 3 की घात 2, और n पहले से ही घात में थी, बड़ा 3 की घात n-1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, घात में जब घात चढ़ी होती है तो क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो यानी कि 3 की घात 5 × n/5, 5 से 5 कैंसिल, बुढ़ाए 3 की घात 2n+1, इसको ऐसे लिख देंगे अपॉन में 2 और n का गुणा हो जाएगा, 3 की घात हो जाएगी 2n, फिर 3 की घात n-1, इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 3 की घात n × 3 की घात 2n+1 अपॉन, यहाँ नीचे बचा है 3 की घात 2n × 3 की घात n-1। आपको पता है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एक गुणा में घातें जोड़ लो, n+2n+1 बटे, नीचे की जोड़ लो 3 की घात 2n+n-1, सही है। तो ऊपर आ जाएगा 3 की घात 3n+1, और नीचे आ जाएगा 3 की घात 3n-1। अब भाग में है, भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो 3 की घात 3n+1 को ये रहेगी, और फिर माइनस हो जाएगी कितनी, 3n-1, याद रखना ब्रैकेट में रखेंगे अगर ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 3n+1 - 3n+1, 3n कट गया, प्लस माइनस का बचा 3 की घात 1 और 2, 3 की घात 2 माइनस का 9। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना, आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है ना दिया हो, संख्याएं दी हो, तो इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं ये कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है 0.01024 और उसकी पावर 1/5, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो क्या करना है, दशमलव है, आपको डरना नहीं है, सबसे पहले दशमलव उठा के नीचे जितने 0 आएंगे वो लिख लेंगे। तो देखो पॉइंट हटेगा, पहले वाले 0 की कोई वैल्यू होती नहीं इसकी, तो आ जाएगा 1024 अपॉन में, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कितने 0 आएंगे, 5 0 आ जाएंगे, और यह आ जाएगा 1/5। आप 1024 के फैक्टर कर लो और 1,00,000 के फैक्टर भी हम कर लेंगे, ठीक है। 1,00,000 तो ये तो हो जाएगा 10 की घात 5, हमें पता है भाई। ऊपर वाले के फैक्टर और कर लेते हैं, चलिए 1024 से करना शुरू कर दो। 1024 को 2 से काटोगे तो यह आ जाएगा, फिर 2 से काटा तो 2 से काटा, तो इसलिए हम 2 की घातों में से हम 4 की घातों में लेंगे। 4 की घातों में से 2 2 4, फिर 2 2 2 कर लिया, और ये जगह 4 की घातें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम 4 की घातें 5 लिख लेंगे, याद रखना, ठीक है। और घात 1/5, अब हम पता है जब दोनों पे घातें होती है ऊपर नीचे तो एक साथ बाहर लिख लेते हैं, तो 4/10 की घात 5, और गुणा में पहले कौन सी घात थी, 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 4/10, यानी कि 0.4 या 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कर लेने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, देखिए इधर 27 है, इधर 247 है, इन दोनों को समान आधार पे लिख लेना है। 27 को लिख लेंगे 3 की घात है 3,
और उसकी घात 2x-1। इधर आप 243 को लिख देंगे, 3 की घात है, चलिए करके देख लेते हैं, 243 से 3 की घात करेंगे, 3 8 24, फिर 15 27 15 9 3 3 और 1 2 3 4 5, 3 की घात है 5, तो यहाँ है और ऊपर 3, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा, देखिए गुणा में घात है, ये घात पे घात जब होती है तो गुणा हो जाता है कि नहीं जाता है, ये हो जाएगा 3 2 6x-3, ठीक है, इसका इसमें भी गुणा होगा और इधर हो जाएगा 3 की घात है 15। अब आप घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो 6x-3 = 15, 6x बराबर ले जाएंगे तो माइनस करते तो जाके जुड़ जाएगा 18, x बराबर आएगा 18/6 यानी कि 3। इस तरह से आपके क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, कुछ आपका कमेंट का आंसर आपका आना चाहिए कि यहाँ पर हम बड़ा पहले घातें जोड़ लेंगे, देख लेंगे। एक चीज़ याद रखना कि अगर घातें जो है माइनस में है तो फिर जोड़ोगे तो घट जाएंगे, ठीक है। 3 + -6 करोगे तो 3 की घात -6 आएगा, घटेगा, ठीक है। उसके बाद घातों की क्या कर लेंगे तुलना, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपके, √2 ∫√2 ∫√2 ∫√2 और कहाँ तक है, अनंत तक। देखिए ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, याद रखना इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। आपका जो आधार है, देखो घात इसकी 1/2 है, आधार 2 है, मैंने आपको बताया था √2 की घात कितनी होती है, 1/2, घनमूल की घात 1/3 होती है, ऐसे यहाँ 6 लिखा है तो उसकी घात 1/6। तो आपको क्या करना, आधार को वैसे का वैसा ही लिख लेना है, ठीक है, और घात को 1 कम करके, अगर 1/2 है तो उसको 1 कर दो, ठीक है, 1/3 है उसको 1/2 कर दो, ठीक है। तो घात को 1 कम करेंगे, 1/2 को कम कर दिया तो 1 बचा, ठीक है, यानी घात हटा ही नहीं है। जब भी अनंत तक होगी, √2 √2 √2 इस तरह अनंत तक है तो उसकी वैल्यू 2, √5 √5 ऐसे ऐसे आ रहा तो उसकी वैल्यू 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें आधार क्या है, 5 है, उसको लिख लिया। अब यहाँ 3 है, इसका मतलब ये कम करके लिख लेना है 2, हम लिखते नहीं हैं, यानी 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, ठीक है। सेम इस तरीके से आधार है 4, ठीक है, और घात में 6 है, इसे कम करके लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसका अनुमान आएगा। समझ में आया, बहुत आसान है ये, ठीक है, और आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो याद रखना कि तभी तक काम करता है जब तक इनफाइनिट लिखा होता है, अनंत लिखा होता है, अनंत नहीं लिखा होगा तो दूसरा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन है घनमूल 5 और अनंत तक नहीं है, अनंत तक होता तो सीधा आपको पता है आपका क्या था, वर्गमूल 5 आज का आंसर आ जाता, लेकिन जब अनंत तक ना होता आप क्या करेंगे, तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको आधार को लिख लेना, ठीक, वैसे देखिए आधार को ब्रैकेट लगाओ तो ठीक है, तो बाद में उसके बाद अपने मन से घात में 1- करना है, वो क्यों करना है वो हम बताएंगे आगे, 1- क्या होता है, ठीक है। तो 1- ऐसे किया, अब घात को लिख लो, घात कितनी 1/3 है ना, बिल्कुल ठीक, और इतना लिखने के बाद 1- अपने मन से किया, घात लिख आधार लेगा, घात में 1- अपने मन से किया और फिर घात लिख दी 2/3। उसके बाद इस पर कितनी घात लगा देंगे, कितनी बार ये 1 2 3 और 4 बार, यहाँ समझ में आया होगा, ठीक है। आधार लिखा, 1- किया, उसके बाद घात 3 है तो 1/3 ले लिया, 4 3 1/4 लिख देते, 5 है तो 1/5 लिख देते, केवल अंदर है तो 1/2 लिख देते, ठीक है। उसके बाद जितनी बार है 1 2 3 4 बार है तो 4 बार करते हैं। अब ये आपकी आएगी 5 की घात, आपका ये ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं, यह आएगी 1 3 * 9 = 27 क्या आएगी, 81 आ जाएगी। अब इसको हल कर लोगे तो ऊपर 1 कम करोगे यानी कि 80/81 आपका आंसर है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, एक चीज़ और बनी है लास्ट में, 5 की घात 80/81 आपका गया हुआ। इसके बाद यहाँ अगर घात 3 है तो उससे 1 कम करके अंश में भाग दे, ठीक है, ये ट्रिक समझ लेना, अंश में भाग दे देना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, घात से 1 कम करके, घात अगर 3 है तो 2 का करेंगे, 2 है तो 1 का भाग करेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, 1 का भाग का मतलब कुछ होता ही नहीं, 4 है तो 3 का भाग करेंगे, घात 1 कम करके अंश में भाग देंगे, अंश में भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा सही उत्तर आपका आएगा 5 की घात 40/81,
इक्यासी। तो ये आपको समझ लेना बहुत ही आसान है, एक बार करोगे आपको आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, पाँच लिखा, एक माइनस अपनी तरफ से लगाया, एक हाथों को ले लिया बटे में करके, करनी को बटे में हाथों में बना लिया, और जितनी बार था उतनी बार हमने उस पर घात लगा दिया। हल किया आ गया, हल करने के बाद जो अंश है उसमें हम दो का भाग लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तीन है, अगर यहाँ चार होता तो तीन का भाग। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर अगर अनंत होता तो इसकी वैल्यू दो होती है, आपको पता है लेकिन अनंत नहीं है, ये एक दो तीन चार बार दे रहा है, तो आपको आधार ले लेना है, एक माइनस अपने मन से लगाना है, और बढ़ने की घात एक बढ़ा दो, और कितनी बार है चार बार है, चार बार लगा दे, ठीक है, ये दो की घात एक माइनस दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, ठीक है, ये आ जाएगा दो की घात सोलह एकम सोलह में से क्या पंद्रह बटे सोलह। अब यहाँ पर देखो दो से एक कम करके एक का भाग लगाएंगे, एक का भाग लगाने का मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा पंद्रह बटे सोलह आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, चलिए आधार छः है, एक माइनस एक बटे चार की घात कितनी बार है, ठीक है, एक दो तीन चार बार है, ठीक है, तो यह आएगा छः की घात एक माइनस चार चार सोलह, सोलह सोलह दो सौ छप्पन, चार चौ सोलह चौ चौंसठ चौ दो सौ छप्पन, ठीक है, तो यह आ जाएगा छः की घात दो सौ पचपन बटे दो सौ छप्पन। अब यहाँ पर चार से एक कम करके, ये चार है ना, यहाँ से एक कम करके तीन का ऊपर वाले में भाग लगा दे रहा है, चलिए तो आपका जाएगा छः की घात आठ या चौबीस, और एक बचा पाँच तीन पंद्रह पचासी बटे दो सौ छप्पन, ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका जनरल एट सिक्स रूट थ्री रूट टू क्यूब रूट फोर और रूट फाइव है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, या इसी में पूछ सकता है, इनको आरोही आरोही क्रम में लिखो। तो देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपको इनको क्या कर लेना है, घातों को बटे में लिखना है, ठीक है, यह आएगा दो की घात एक बटा दो, यह आएगा चार की घात एक बटा तीन, और यह आएगा पाँच की घात एक बटा चार। अब छः दो तीन और चार का लासा लेते हैं, यानी कि जो आधार में नीचे हैं घातें, हाथों में नीचे उनका लासा ले लेना है, तो उनका लासा जो आएगा वो आएगा आपका बारह, लासा से हर एक घात में गुणा कर देना है, तीन की घात एक बटा छः गुणा बारह, दो की घात एक बटा दो गुणा बारह, चार की घात एक बटा तीन गुणा बारह, और पाँच की घात एक बटा चार गुणा बारह, काटोगे तो छः दूनी बारह, एक काटोगे तो छः दूनी बारह, एक काटोगे तीन सौ को बारह, और एक काटोगे चार दूनी बारह, यहाँ का तीन की घात दो, दो की घात छः, चार की घात चार, और पाँच की घात तीन। इसका आप वैल्यू निकाल के सबसे बड़ी सबसे छोटी या क्रम वाइज सब निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा नौ, यह आएगा दो की घात छः का मान दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी पत्तीस दूनी चौंसठ, इसका मान आ जाएगा देखो चार की घात विचार किया तो हमें दो सौ छप्पन, और यह आ जाएगा एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस चलिए एक सौ पच्चीस, तो सबसे बड़ी दो सौ छप्पन है, यानी कि किससे निकली थी ये वाली, सबसे बड़ी घात ये हमारी और सबसे छोटी ये संख्या है, ठीक है, क्रम वाइज पूछे तो आगे और कहीं क्रम आप लगाना जानते हैं, तो इस तरह से इनकी तुलना आपस में हम कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, करणी से संबंधित करणी का भाग अभी काफ़ी बाकी है, तो अगला नेक्स्ट वीडियो करणी के संबंधित सभी क्वेश्चंस को समेट कर उसमें हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।